गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास हम लोगों ने कुछ कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया था। आज भी हम लोग और प्रैक्टिस करेंगे सो दैट हम लोगों को कॉन्फिडेंट लगे इस चैप्टर में। ठीक है, नाउ दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स वी हैव ऑलरेडी डन। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे हम लोग। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, राइट? कॉन्सेप्ट समझना अलग चीज होता है और प्रैक्टिस सेशन अलग होता है। So we need to practice, practice and practice. ठीक है, आइए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है? बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग कंपनी एंड इट्स सब्सिडियरी ऑन 31 मार्च 2022 प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। ठीक है, सो अभी हम लोग जितना भी क्वेश्चंस कर रहे हैं सब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का कर रहे हैं। ठीक है, आइए। तो शेयर कैपिटल अपने को 15,06,00,000 दे दिया, शेयर ऑफ ₹10 ईच, तो इसका नंबर ऑफ शेयर्स तो चाहिए नहीं हम लोगों को, फिर भी लिख लेते हैं। 1,50,000 शेयर्स है ये, राइट? और यहां पे हमारा आ गया 60,000 शेयर्स। जनरल रिजर्व दोनों का दे दिया, सिंडिकेटर दे दिया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दे दिया, राइट? इनको मिलाएंगे तो शेयर होल्डर फंड होगा। टू द एक्सटेंट शेयर्स हेल्ड बाय होल्डिंग कंपनी सेट ऑफ होगा इन्वेस्टमेंट से, बाकी का माइनॉरिटी बोल के आएगा। फर्दर रिजर्व एंड सरप्लस में भी हम लोग को ध्यान देना है प्री एंड पोस्ट का, राइट? टू द एक्सटेंट शेयर्स हेल्ड बाय होल्डिंग कंपनी एंड टू द एक्सटेंट इट इज अप टू द डेट ऑफ एक्विजिशन, वही वाला प्री में आएगा, इन्वेस्टमेंट से लेस होगा। एंड उसके बाद जो भी प्रॉफिट है वो मेरे लिए कमाई है, मेरा पीएल में एड होगा। ठीक है, बाकी सब लाइन बाय लाइन ऐड होगा। एसेट्स वगैरह ये सारा पूरा टॉप टू बॉटम सब लाइन बाय लाइन ऐड होगा। गुडविल ऑलरेडी इनके अपने अपने बुक्स में है, जो अपने अपने बुक्स में वो तो कैरी फॉरवर्ड हो गई, प्लस कंसोलिडेट करते वक्त भी गुडविल अराइज होता है तो वो ऐड हो जाएगा। और कंसोलिडेट करते वक्त अगर कैपिटल रिजर्व अराइज होगा तो वो अपन लेस कर देंगे। ठीक है, होल्डिंग कंपनी के बुक्स में, ये होल्डिंग कंपनी है, ये सब्सिडरी है। होल्डिंग कंपनी के बुक्स में 48,000 शेयर इन सब्सिडरी है, तो 48,000 शेयर मेरे पास में है, टोटल शेयर्स होगा 60,000 सो 80% होल्डिंग आ गया। नाउ क्वेश्चन में एक चीज और बोला, ध्यान से सुनिएगा। जिस दिन शेयर खरीदा है उस दिन का जनरल रिजर्व पीएल दे दिया, इसका मतलब ये जनरल रिजर्व पीएल ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन दिया हुआ है, तो क्या इस समय टाइम एडजस्टमेंट है? टाइम एडजस्टमेंट कब होता है? जब पीएल कोई और डेट का दे और डेट ऑफ एक्विजिशन कोई और, तो पोस्ट से निकाल के प्री में डालना पड़ता है। So there is no time adjustment, है ना? Ignore abnormal loss अगर दिया हुआ है तो, ठीक है? अच्छा, शेयर खरीदते ही मेरे को डिविडेंड मिला है, तो शेयर खरीदते ही मेरे को डिविडेंड मिला, मतलब ये प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से डिविडेंड दिया गया। आज मैंने शेयर खरीदा और इमीडिएटली मेरे को डिविडेंड रिसीव हो जाएगा, मैंने बोला ना डिविडेंड रिसीव जो होता है बीता हुआ कल का होता है। अब वो बीता हुआ कल मेरे डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद है कि पहले, वो डिपेंड करता है। तो जिस दिन मैंने शेयर खरीदा उसके बाद ही डिविडेंड मिल गया, तो बीता हुआ कल मेरे डेट ऑफ एक्विजिशन के पहले का ही है, बीता हुआ कल मेरे डेट ऑफ एक्विजिशन के पहले का ही है, बट ऑब्वियस है ये। गलती से इसको मैंने अपने पीएल में डाल लिया,
तो इसके रेक्टिफिकेशन करनी पड़ेगी। लास्ट डे हमने ऐसा सम किया है, हाँ है ना। अच्छा मेरे को 48,000 डिविडेंड रिसीव हुआ, इसका मतलब सब्सिडियरी कितना डिविडेंड पे किया, रिसीव हुआ जो कि मेरा 80% होल्डिंग था, इसका मतलब सब्सिडरी 60,000 का डिविडेंड पे ऑफ किया है, उसमें से 48,000 मेरे को रिसीव हुआ। अगर रिसीव दे देगा तो होल्डिंग रेशियो से डिवाइड करके टोटल डिविडेंड पेड निकाल लेंगे, और पेड दे देगा तो होल्डिंग रेशियो से मल्टीप्लाई करके होल्डिंग को कितना डिविडेंड मिला वो आ जाएगा। सर ये मेरा डेट ऑफ एक्विजिशन है, इसके बाद ही मेरे को डिविडेंड रिसीव हो गया, इमीडिएटली ऑन परचेज ऑफ शेयर आई रिसीव डिविडेंड। तो डिविडेंड रिसीव हमेशा बीता हुआ कल होता है, और ये बीता हुआ कल भी मेरा डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद ही है। अगर मान लो मेरा डेट ऑफ एक्विजिशन होता और थोड़े दिन बाद मेरे को डिविडेंड मिलता, तो यहां जो डिविडेंड मिला ये बीता हुआ कल का हो सकता है ना, ये बीता हुआ कल में ये वाला समय भी हो सकता है और पहले वाला समय भी हो सकता है। लेकिन अगर शेयर खरीदने के बाद इमीडिएटली अगर डिविडेंड मिल जाए तो ये मेरा बीता हुआ कल है ना, बीता हुआ कल तो डेट ऑफ एक्विजिशन के पहले ही आएगा ना। डिविडेंड हमेशा बीता हुआ कल का ही होता है, फ्यूचर प्रॉफिट पे डिविडेंड नहीं देता कोई भी, वंस द प्रॉफिट इज अर्न डिविडेंड इज पेड, और जब तुम पे करोगे मेरे को रिसीव होगा। डिविडेंड इज ऑलवेज डिक्लेयर्ड और पेड फ्रॉम द प्रॉफिट विच इज अर्नड पास्ट। अब वो पास्ट मेरे डेट ऑफ एक्विजिशन के पहले का है कि मेरे डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद का है, उससे डिटरमाइन होता है प्री एक्विजिशन डिविडेंड है कि पोस्ट एक्विजिशन। मेरे शेयर खरीदने के एक साल बाद हमको डिविडेंड मिला है तब देखना है कि डिविडेंड कौन से पीरियड का है, वो मेरे शेयर खरीदने के पहले वाले पीरियड का भी हो सकता है, शेयर खरीदने के बाद वाले पीरियड का भी हो सकता है, क्योंकि बाद में भी टाइम गैप है। लेकिन शेयर खरीदने के बाद ही अगर डिविडेंड मिल जाए, ठीक दो दिन बाद डिविडेंड मिल गया, तो जाहिर सी बात है ये डिविडेंड उन समय का है जो मेरे शेयर खरीदने के पहले का था। इज इट फाइन? अगर शेयर खरीदा डिविडेंड कुछ दिनों बाद मिला है तो डिविडेंड इस समय का भी हो सकता है, डिविडेंड इस समय का भी हो सकता है, वो डेट ऑफ एक्विजिशन देख के समझ में आ जाएगा। लेकिन इमीडिएटली अगर डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद डिविडेंड मिला है तो वो प्री एक्विजिशन ही होगा, पोस्ट एक्विजिशन हो भी नहीं सकता, क्योंकि पोस्ट में तो पीरियड ही नहीं है ना। डिविडेंड का हम जब तीर छोड़ेंगे वो हमेशा पीछे जाके गिरेगा। अब वो पीछे जाके जो गिरा वो मेरा डेट ऑफ एक्विजिशन के पहले है कि बाद, राइट? हमेशा याद रखना ये हमारा टाइमलाइन है, ये हमारा धनुष है, मतलब डिविडेंड पेड वाला। ये जो मैं डिविडेंड देता हूं ये यहां भी गिर सकता है, ये यहां भी गिर सकता है, पीछे जाके गिरेगा। लेकिन ऐसे अगर तीर छोड़ूंगा तो उधर ही ना जाएगा कि इधर जाएगा, मतलब मैं इधर फेस कर रहा हूं, आई एम फेसिंग दिस साइड।
सर आपने शेयर यहां खरीदा है, ये आपका है डेट ऑफ एक्विजिशन, तो ये वाला डिविडेंड है तो पोस्ट एक्विजिशन, ये वाला डिविडेंड है तो प्री एक्विजिशन, दोनों ही मेरे को मिला है क्योंकि शेयर मेरे पास में है, ये मेरा इनकम है, इसको मैं अपने पीएल में ऐड करूंगा और ये मेरा इन्वेस्टमेंट से लेस होगा। यहां पे तो एकदम क्लियर कर दिया कि ये आपका डेट ऑफ एक्विजिशन है, जब मिला डिविडेंड उसका ठीक 2-3 दिन पहले ही आपने शेयर खरीदा था, तो दोनों तीर ही प्री में जाएगा। ठीक है ना, लैंग्वेज क्लियर है? तो इस वाले के लिए दोनों क्या है, प्री एक्विजिशन। क्लियर? आइए, क्वेश्चन 8। सबसे पहला होल्डिंग रेशियो, 48,000 शेयर्स है मेरे पास में, अब क्या करना है, सब्सिडियरी का प्रॉफिट का ब्रेकअप, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ सब्सिडियरी। अच्छा, इसका ब्रेकअप क्या बेसिस पे होता है, होल्डिंग का डेट ऑफ एक्विजिशन, ऑन द बेसिस ऑफ डेट ऑफ एक्विजिशन। प्री मतलब दिस इज अप टू डेट ऑफ एक्विजिशन, पोस्ट पीएल पोस्ट जनरल रिजर्व। पहले टोटल वाला लिखेंगे, बैलेंस शीट वाला, टोटल जनरल रिजर्व 180 है, 2,10,000 है, पीएल 2,10,000, ये 180। पीएल 2,10,000, ये वाला 180। अब जिस दिन शेयर खरीदा उस दिन का पीएल और जनरल रिजर्व दे दिया, नब्बे हजार, 1,20,000 और 90,000। ठीक है, जनरल रिजर्व 1,20,000 और 90,000। ठीक है, तो पोस्ट पीएल कितना आएगा,
पोस्ट जनरल रिजर्व अब क्या करेंगे बताओ। पोस्ट वाला कैसे आया, पोस्ट वाला कैसे आया, टोटल से टिल द डेट ऑफ एक्विजिशन माइनस कर दिया, इज इट माई नेट प्रॉफिट, नो, इसमें वो कैलकुलेशन डिफरेंस है ना, मैंने बताया था कैलकुलेशन अपने इस तरीके से कर रहे हैं तो डिविडेंड पेड गलती से इसमें एडजस्ट हो गया है, मतलब दिस इज नॉट नेट प्रॉफिट, दिस इज नेट प्रॉफिट आफ्टर डिविडेंड, ठीक है ना। तो ये हमारा नेट प्रॉफिट, इसलिए अपने क्या करते हैं पहले डिविडेंड पेड ऐड करते हैं, इधर में पहले डिविडेंड पेड ऐड होगा 60,000, बेसिकली ये हमारा होना चाहिए शेयर खरीदने के बाद वाला प्रॉफिट्स, शेयर खरीदने के बाद वाला प्रॉफिट्स क्या होना चाहिए ये शेयर खरीदने के, तो लेकिन अपने क्या कर रहे हैं टोटल से अप टू द डेट ऑफ एक्विजिशन माइनस कर रहे हैं, तो ये जो डिफरेंस आ रहा है दिस इज आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट, इसलिए पहले उसको प्लस कर रहे हैं अपन। तो एक्चुअली नेट प्रॉफिट कितना है, 120 है कि 180 है, 180 है, 120 नहीं है, ठीक है। अब देखो डिविडेंड पेड कहां से लेस होगा, सर प्री डिविडेंड है कि पोस्ट डिविडेंड है, प्री एक्विजिशन है, शेयर खरीदने के पहले वाले समय का डिविडेंड है, सर आपको कैसे मालूम चला, क्योंकि मैंने आज शेयर खरीदा और मेरे को डिविडेंड मिल गया, मैंने शेयर खरीदा होता कुछ सालों तक उसको पाला होता तब मेरे को डिविडेंड मिलता तो समझ में भी आता, तब तीर देखेंगे एकदम से पीछे जाके गिर रहा है कि डेट ऑफ एक्विजिशन के आगे आके गिर रहा है तीर, लेकिन इमीडिएटली शेयर खरीदा डिविडेंड मिल गया मतलब दोनों ही प्री होगा, ये वाला केस है, इस केस के लिए दोनों ही प्री है। ठीक है, तो -60 यहां से होगा क्योंकि हम लोग डिफरेंस लिए हैं बोल के गलती से यहां से लेस हो गया है वो, लेकिन एक्चुअल होना चाहिए फ्री से 1,50,180,60, कोई रिवैल्यूएशन नहीं है कुछ नहीं है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, लेकिन चेक ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड रिसीव बाई होल्डिंग, तो होल्डिंग को क्या करना चाहिए अपना पीएल में लेके जाना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट को लेस करना चाहिए, क्योंकि प्री एक्विजिशन है लेकिन होल्डिंग क्या किया है इसको अपना पीएल में डाल लिया, तो होल्डिंग का प्रॉफिट को कम करेंगे और इन्वेस्टमेंट को कम कर देंगे, अगर होल्डिंग इसको अपना इन्वेस्टमेंट में डाला होता तो ठीक है इग्नोर,
ठीक है। अब इसका ब्रेकअप करो, होल्डिंग 80 माइनॉरिटी 20, मतलब 20 करोड़ बताओ, ट्रीटमेंट बताओ, ये तीनों कहाँ जाएगा, क्योंकि माइनॉरिटी को फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, होल्डिंग का प्री वाला कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से लेस होगा, होल्डिंग का पोस्ट पीएल, ये होल्डिंग का पोस्ट पीएल में ऐड होगा, और ये वाला ये होल्डिंग का जनरल रिजर्व में ऐड होगा। ये होल्डिंग का जनरल रिजर्व, ये होल्डिंग का पीएल, और ये होल्डिंग का इन्वेस्टमेंट से सेट ऑफ होगा। क्लियर? नोट 3। नोट 4। बात नहीं, नोट 5, होल्डिंग का पीएल, और चाहो तो आप लोग नोट 6, होल्डिंग का जनरल रिजर्व भी बना सकते हो। ठीक है, हाँ, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है? फाइव लैख 70,000। इससे क्या क्या लेस होगा? शेयर कैपिटल का 80%, प्री एक्विजिशन का 80%, और रिवैल्यूशन प्रॉफिट का 80%, अगर है तो लेस। शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडरी लिमिटेड का 80% कितना आ रहा है? 4,80,000। बाकी शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडरी लिमिटेड का 20%, 1,20,000 यहां माइनॉरिटी में आ गया। तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में क्या शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडरी आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट का 80%, 1,20,000 माइनॉरिटी का हिस्सा माइनॉरिटी में चला जाएगा। थर्टी थाउजेंड। ठीक है, होल्डिंग का अपना पीएल कितना है? इसका अपना जनरल रिजर्व कितना है? दो सत्तर, 240। पोस्ट एक्विजिशन मेरे लिए कमाई है? पोस्ट एक्विजिशन का 80% कितना आ रहा है? 144। और जनरल रिजर्व का पोस्ट एक्विजिशन कितना है?
48,000, बाकी माइनॉरिटी का दोनों पोस्ट इधर आ जाएगा। कितना? ठीक है, तो अल्टीमेटली सब्सिडरी का कैपिटल खत्म हो गया, सब्सिडरी का पीएल जर्नलिज्म भी खत्म हो गया। डन। अब मैंने बोला था ना गुडविल का सॉरी डिविडेंड जो रिसीव किया उसका ट्रीटमेंट चेक कर लेंगे, है ना? तो होल्डिंग को रिसीव हुआ है 48,000, 60,000 का 80%। तो होल्डिंग क्या क्या गलती से इसको कहां ले लिया, लेकिन होना क्या चाहिए? तो पीएल में गलती से ले लिया लेस रेक्टिफिकेशन ऑफ डिविडेंड रिसीव, 48,000 पीएल से लेस होगा और इसका सही ट्रीटमेंट है इन्वेस्टमेंट से लेस होना चाहिए ये। अच्छा अभी एक चीज सुनो, कैपिटल एट रिजर्व 78,000 आ रहा है, मेरा बुक्स में ऑलरेडी देखो होल्डिंग का बुक्स में 90,000 का गुडविल है अपना पहले से स्टैंड अलोन में, तो ऑलरेडी पहले से 1,20,000 का गुडविल है, तो गुडविल भी और कैपिटल रिजर्व दोनों नहीं आएगा। हाँ सेट ऑफ हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे यहां पे, प्लस गुडविल 120 करेंगे तो नेट में 42,000 आएगा गुडविल। नाइन्टी और 30, 120 दिया हुआ है। अच्छा ठीक है, माइनॉरिटी 1,98,000, 2,88,000 कितना,
ठीक है, हम लोग को कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना है। हाँ31 मार्च 2022। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल किसका आएगा? सब्सिडियरी का तो सेट ऑफ हो गया, 80% और 20% माइनॉरिटी में चला गया। रिजर्व एंड सरप्लस किसका आएगा? होल्डिंग का, लेकिन उसमें सब्सिडियरी का जो पोस्ट एक्विजिशन का प्रॉफिट है वो जुड़ गया, तो ठीक है। पीएल का कितना था बैलेंस? 3,66,000 सब करने के बाद इसका 2,88,000 कितना हो रहा है? कैपिटल रिजर्व तो सेट ऑफ हो गया। कितना? 6 लाख, माइनॉरिटी 1,98,000। नॉन करंट लाइबिलिटी नहीं है, सीधा करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी में एक तो हमारा क्रेडिटर्स है, ठीक है ना? मेरा क्रेडिटर कितना है? मेरा अपना कितना? तुम्हारा 1,20,000 और 60,000 रुपये का कॉन्ट्रा है। देखो, ये हमने पूरा ही छोड़ दिया था, ये पैराग्राफ को पढ़ा ही नहीं। तुम मेरे डेटर में हो, हम तुम्हारे क्रेडिटर में हैं, लेकिन हम तुम्हारे क्रेडिटर में 45 क्यों है? क्योंकि मैंने तुमको 15,000 रुपए का पेमेंट कर दिया जिसको तुमने अभी तक रिसीव नहीं किया। आज सपोज मैंने, तुम मेरे पास में खड़े हो, मैंने अपने पॉकेट से पैसा निकाला तुमको दे दिया, तो मैं अपना क्रेडिटर कम कर दूंगा, तुमने रिसीव कर लिया तो तुम भी अपना डेटर कम कर दो। लेकिन अगर मान लो पहले मैंने मनी ऑर्डर भेजा है, मनी ऑर्डर, तो मैं मनी ऑर्डर भेजा, तुम मेरे क्रेडिटर हो ना, मैंने मनी ऑर्डर भेजा तो मैं अपना क्रेडिटर कम कर दिया। तुमको मनी ऑर्डर मिलेगा तब ना तुम डेटर कम करोगे, लेकिन अभी तक तुमने डेटर कम नहीं किया क्योंकि तुमको मिला ही नहीं है। तो सेट ऑफ तो 60 होगा। इसको चेक इन ट्रांजिट बोल के दिखाएंगे हम लोग 15,000 का एसेट में। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से सुनना, 15,000 का तो क्रेडिटर ऑलरेडी रिड्यूस कर चुका है ना मैं। बच्चा लोग हमेशा एग्जाम में ही गलती करके आएगा। यहां देखिए, ये जो मैंने किया है ये बिल्कुल गलत है, चीज को समझिएगा।
मेरे बुक्स में आप क्रेडिटर थे 60,000 के, तो मैंने क्या किया, क्रेडिटर डेबिट टू बैंक। तो अब आप मेरे बुक्स में क्रेडिटर कितने से हैं, 45 ना। पहले आप मेरे बुक्स में क्रेडिटर कितने के थे, पेमेंट मैंने कर दिया, तो अब आप मेरे बुक्स में क्रेडिटर कितने के हैं, समझ में आ गया मेरा बात। तो 60 लेस नहीं होगा, 45 ही बचा हुआ है, क्योंकि मैं 15,000 ऑलरेडी कम कर चुका हूं। पंद्रह मैंने पेमेंट कर दिया, चीज को समझो, जो बचा हुआ है वो तुम्हारे बुक्स में कॉन्ट्रा होगा। लेकिन डेटर को तो 15 मिला नहीं, तो डेटर जो बचा हुआ उसका भी कॉन्ट्रा करेगा, और जो चेक इन ट्रांजिट है उसका कॉन्ट्रा करके चेक इन ट्रांजिट दिखाएगा, तो डेटर पूरा 60,000 का करेगा। क्रेडिटर 60,000 का करते ही क्या होगा, एक चीज दो बार आ जाएगा, मैंने तो भैया पेमेंट कर दिया, मेरा बैंक कम हो चुका है, मैंने मेरे बुक्स में बैंक बैलेंस को कम करके मेरा क्रेडिटर को कम कर दिया, मैंने 15,000 दे दिया, तो मेरा कॉन्ट्रा बचा हुआ फिगर से होगा। डेटर को 15,000 नहीं मिला, तो डेटर का कॉन्ट्रा जो 45,000 बचेगा उसका तो होगा ही, बाकी 15 का भी कॉन्ट्रा करेंगे क्योंकि वो मिलने वाला है, तो डेटर हटा के उसको चेक इन ट्रांजिट बोल के दिखाएंगे, राइट। ये कितना आ रहा है बोलना, 2,25,000 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कितना, 13 लाख, नॉन करेंट एसेट में क्या क्या है, मशीनरी 9+4.5, ये तुम लोग का गलत आया, 13,17,000 कैसे होगा, 15 लाख का तो शेयर कैपिटल ही है, गुडविल हमारा नोट 3 से आया, सब एडजस्ट करके 42,000।
करंट एसेट में स्टॉक, डेटर, कैश और एक आएगा चेक इन ट्रांजिट। स्टॉक मेरा कितना है, तुम्हारा कितना है बताओ। हाँ हाँ डेटर मेरा कितना है 360 480। माइनस 60 होगा यहां पे, क्योंकि मेरे को जो बचेगा 45 उसका कॉन्ट्रा होगा। मैं तुम्हारे में हो, तुम मेरे में हो, 45 45, लेकिन 15 तो मिलने वाला है ना, तो उसका भी कॉन्ट्रा करने है। तो यहां 60 का कॉन्ट्रा है, यहां 45 का कॉन्ट्रा, भूलेंगे नहीं। क्रेडिटर ऑलरेडी पेमेंट दिखा चुका है, क्रेडिटर में बचा हुआ का कॉन्ट्रा, डेटर में बचा हुआ का तो होगा, जो नहीं मिला उसका भी कॉन्ट्रा होगा। एंड उसको फिर अलग से अपन चेक इन ट्रांजिट 15,000 बोल के दिखाएंगे। कैश कितना है, अच्छा ये कितना आएगा, कैश कितना है, Is it fine, everyone? ठीक है, आइए नेक्स्ट। नंबर 16 करेंगे, बात नहीं बात नहीं। मैंने इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी लिमिटेड है 2000 शेयर, सब्सिडियरी का टोटल शेयर है 2500, तो अगेन इट्स 80% होल्डिंग। मैंने शेयर अप्रैल में खरीदा है, तो हमको प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ
मेरा बैलेंस शीट डेट देखो, मतलब 9 महीना पहले मैंने शेयर खरीदा है, राइट? और रिजर्व एंड सरप्लस और पीएल मेरे को 12 महीना पहले का दिया हुआ है, मतलब इस समय टाइम एडजस्टमेंट है, तो एबनॉर्मल लॉस को भी कंसीडर करना पड़ेगा। अच्छा है ना, क्लियर? गुड सप्लाई किया है एच, तो सबसे पहला बात तो एस का क्रेडिटर में एच है, मतलब ये एस का क्रेडिटर, इसमें एच है तो एच का डेटर में एस होगा, ये कॉमन सा बात है, इसमें सोच के फायदा नहीं है। सर बोला तो नहीं है, नहीं बोला तो जाहिर सी बात है, अगर हमको तुमको देना है तो तुमको हमसे लेना है, तो ये वाला पार्ट तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में होगा। अब क्योंकि एच सप्लाई किया है, देखो होल्डिंग सप्लाई किया है ना, इसका मतलब जो भी माल सप्लाई किया उस पे कमाया किसने? होल्डिंग, तो बोलता आधा उसके स्टॉक में बच गया है। किसके स्टॉक का बात हो रहा है यहां पे? हम बेचेंगे, मेरा ही स्टॉक का बारे में बात होगा। बेचा किसने? एच ने। तो स्टॉक किसके पास होगा? सब्सिडरी के पास, बट ऑब्वियस है। मैंने 10,000 का माल बेचा, इसमें दो चीज है, दो कॉन्ट्रा होगा, एक स्टॉक का भी है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट और एक डेटर क्रेडिटर का भी है। मैंने तुमको 10,000 का माल बेचा, कितने का माल बेचा? 10,000 का, वो बाकी है, तो मेरे क्रेडिटर मतलब तुम्हारा डेटर में मैं हूं, तो ये तो कॉन्ट्रा होगा ही कंसोलिडेशन में। अब जो मैंने तुमको 10,000 का माल बेचा वो तुम्हारे लिए स्टॉक है, उसमें से जितना स्टॉक तुम्हारे पास बच गया है उसी का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होता है ना। तो बोला है होल्डिंग बेचा, मतलब ये सब्सिडरी के स्टॉक के बारे में बात हो रहा है। दस हजार का आधा मतलब सब्सिडरी के स्टॉक में 5,000 ऐसा है जो किससे खरीदा हुआ है? होल्डिंग से। इस पे कमाया किसने? होल्डिंग ने। तो प्रॉफिट एलिमिनेट कहां से होगा? होल्डिंग का प्रॉफिट से, और स्टॉक को कम कर देंगे, मतलब ये वाला पार्ट भी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में होगा। आज अगर सब्सिडरी बेचा होता तो पोस्ट एक्विजिशन में लेस करते यूपी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, बट वैसा नहीं है, मतलब ये पॉइंट नंबर ई पूरा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में आएगा, उसके पहले इसका कोई काम नहीं है। डेटा क्रेडिटर सेट ऑफ कंसोलिडेटेड में, और क्योंकि होल्डिंग बेचा है तो प्रॉफिट होल्डिंग का कम होगा, स्टॉक कम होगा, वो भी कंसोलिडेशन में। राइट, पहले मैंने तुमको 10,000 का माल बेचा जिसका पैसा नहीं दिया है, तो मेरे बुक्स में क्रेडिटर है, तुम्हारे बुक्स में डेटर है, ये तो कॉन्ट्रा होगा ही। अब तुम्हारे पास कितना स्टॉक बच गया है? सब्सिडरी के पास में 5,000 का स्टॉक बच गया, कौन बेचा था? होल्डिंग। कितना कमाया होल्डिंग? 20%, तो ये प्रॉफिट तो कंसोलिडेशन में एलिमिनेट होगा ना, तो होल्डिंग अपना पीएल कम करेगा और स्टॉक कम करेगा। और अगर सब्सिडरी बेचा होता तो सब्सिडरी अपना पीएल कम करता पोस्ट वाला और स्टॉक कम करता। राइट, दोनों का मार्केट वैल्यू दे दिया, फिक्स्ड एसेट रिवैल्यू करने बोल रहा है, सबसे पहला बात किसका किसका एसेट कंसोलिडेटेड में रिवैल्यू होगा? सब्सिडरी
कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में किसका फिक्स्ड एसेट रिवैल्यू होगा? ओनली एस लिमिटेड्स फिक्स्ड एसेट, होल्डिंग का एसेट रिवैल्यू नहीं होता है, ये पहले ही बताया हुआ है। तो दो ठो मार्केट वैल्यू दिया, होल्डिंग का रिवैल्यू नहीं होगा, मतलब ये वाला मार्केट वैल्यू से हमको कोई मतलब नहीं है। और रिवैल्यूएशन का इफेक्ट कौन सा दिन दिखाना है? बैलेंस शीट डेट वाले दिन कि जिस दिन शेयर खरीदा था उस दिन? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कब कैलकुलेट होता है? ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, पीछे जाके रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। बैलेंस शीट में उसका इफेक्ट दिखाएंगे, बट बैलेंस शीट डेट में रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं होता। जिस दिन शेयर खरीदा उस दिन रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। एनीवे हो जाएगा, ये एकदम सिंपल है। चलिए क्विकली करेंगे। सबसे पहले नोट वन, किसका प्रॉफिट का एनालिसिस होगा? सब्सिडरी का। क्या बेसिस पे? प्री एक्विजिशन अप टू 1 अप्रैल चाहिए हम लोग को, पोस्ट पीएल, पोस्ट जनरल रिजर्व। पहले टोटल वाला बताओ, बैलेंस शीट वाला। बैलेंस शीट वाला में जनरल रिजर्व 50 है, पीएल 1 लाख है। ठीक है, ये दिसंबर वाला है, हम लोग को चाहिए अप टू 1 अप्रैल, लेकिन हम लोगों को अप टू 1 जनवरी दिया हुआ है। अप टू 1 जनवरी पीएल कितना है? 20,000 and 50,000। तो पोस्ट जनरल रिजर्व है नहीं, तो दिस इज अप टू 1 जनवरी, तो इसमें से 3 महीना लेना पड़ेगा, जनवरी फरवरी मार्च। हम लोग को चाहिए अप टू 1 अप्रैल, लेकिन दिया हुआ टिल जनवरी, तो जैन फेब मार्च यहां से निकालेंगे ना, पोस्ट से। लेकिन उसके पहले क्या करेंगे? डिविडेंड पेड ऐड करेंगे और आप नॉर्मल लॉस ऐड करेंगे, क्योंकि ये इवनली स्प्रेड नहीं है, राइट? प्लस एबनॉर्मल लॉस कितना दिया हुआ है? 10,000। और डिविडेंड पेड है नहीं,
पेड बाय सब्सिडरी नहीं है, 70,000, 90,000। अब करूंगा मैं टाइम एडजस्टमेंट, प्लस माइनस टाइम एडजस्टमेंट, 90,000 से 3 महीना निकालकर यहां डालना है। कितना आ रहा है? 92,500। और नो ये वाला अप टू आ गया 1 अप्रैल, इधर से माइनस कर उधर प्लस करते, ये 1 अप्रैल का हो गया। अब एबनॉर्मल लॉस का एक्चुअल डेट देखो, 1/7, तो ये अप्रैल तक का है और ये अप्रैल के बाद वाला है, तो 1/7 मतलब कहां से लेस होगा? यहां से लेस होगा, डिविडेंड पेड क्वेश्चन में नहीं है लेकिन कहीं से भी हो सकता था। ठीक है, अब करना है हम लोगों को रिवैल्यूएशन वाला। करेंगे उसके लिए नोट बनाना पड़ेगा। नोट 3 पहले रिवैल्यूएशन का कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों को बताओ रिवैल्यूएशन अप्रैल में हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या क्या फिगर चाहिए, पहले इसका बात करते हैं। एक आपको चाहिए मार्केट वैल्यू, जो कि दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमेशा देगा, और एक आपको चाहिए बुक वैल्यू, यह हमेशा बोल देगा 20% अपवर्ड, 20% अपवर्ड बोल देगा, तो ऑटोमेटिकली आपको बुक वैल्यू चाहिए। अब आपको बुक वैल्यू मतलब बैलेंस शीट वैल्यू। क्वेश्चन में देखो 2,40,000 दिया हुआ है सब्सिडरी का, फिक्स्ड एसेट का, रिवैल्यूएशन खाली सब्सिडरी का फिक्स्ड एसेट का ही होगा। सब्सिडरी का फिक्स हर समय क्वेश्चन में क्या किया था, वैल्यू बता दिया था, बुक वैल्यू बता दिया था, उसका 20% अपवर्ड किया, लेकिन यहां पे परसेंटेज नहीं दिया रिवैल्यूएशन का, यहां पे बोला मार्केट वैल्यू इतना, तो बुक वैल्यू देख लो तो ऑटोमेटिकली मालूम चलेगा अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है। बुक वैल्यू कौन सा दिया हुआ है हम लोगों को? हम लोग को बुक वैल्यू चाहिए अप्रैल वाला, लेकिन क्वेश्चन में बुक वैल्यू कौन सा दिया हुआ है पहले वो देखो। ऑब्वियसली बैलेंस शीट वाला दिया हुआ है, एक ही तो बुक वैल्यू है पूरा क्वेश्चन में। अभी तक जितना भी क्वेश्चन किया था उन सारे क्वेश्चन में 2 बुक वैल्यू था, बैलेंस शीट वाला और स्टार्टिंग वाला, ईयर स्टार्टिंग का मतलब 1 साल पहले का, और उसी दिन मेरा डेट ऑफ एक्विजिशन भी था। राइट तो सर दिसंबर वाला बुक वैल्यू से मार्केट वैल्यू अप्रैल वाला कंपेयर कर लें क्या? नहीं, गलती हो जाएगा। तो अप्रैल वाला बुक वैल्यू कैसे आएगा? 40,000 एंड में 2,40 और अप्रैल में, और जितना पीछे जाते जाओगे बुक वैल्यू और उतना ज्यादा आएगा ना, क्योंकि ओवर द ईयर डेप्रिसिएशन देते देते बुक वैल्यू कम हुआ है,
हम पीछे जाएंगे तो मेरा बुक वैल्यू और ज्यादा आएगा। अच्छा इस क्वेश्चन में देखना, हर सब में क्या रहता था, ओपनिंग वाला बुक वैल्यू दे देता था, हम लोग डिफरेंस करके डेप्रिसिएशन रेट निकालते थे 20। बट इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन रेट दे दिया, ट्वेंटी, मतलब अगर ये 100 है तो ये 80 है, तो मैं बोल सकता हूं कि बुक वैल्यू आएगा 2,40,000 को डिवाइड बाय 80% करने से 3,00,000। ये मेरा सबसे पहला स्टेप वन है, हमेशा ओपनिंग क्लोजिंग दे देता है, डिफरेंस डेप्रिसिएशन अपने रेट निकाल लेते हैं। लेकिन अब रेट दिया है तो एक ही बात है, ओपनिंग वाला आ जाएगा। नाउ रिवैल्यूएशन जनवरी में हो रहा है कि अप्रैल में हो रहा है, जिस दिन शेयर खरीदा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी बुक वैल्यू को 3 महीना आगे ले आएंगे, मतलब 3 महीने का डेप्रिसिएशन देके, तो 3,00,000 का 20% कितना होता है, 60,000, वो 12 महीने का डेप्रिसिएशन है, तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन कितना होगा, 60,000 × 3/12 15,000, तो यहां बुक वैल्यू कितना आएगा, 2,85,000, 3,00,000 में से 15,000 का डेप्रिसिएशन दे दिया, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन फॉर 3 months, ठीक है सर, जिस दिन शेयर खरीदा ना उस दिन का बुक वैल्यू चाहिए। अभी तक हम लोग कैसा सम किया है, ये देखो, ये क्लोजिंग, ये ओपनिंग, और इसी दिन का मार्केट वैल्यू दे दिया, तो आप क्या बोला, 60,000 रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, प्रॉब्लम नहीं है। डिफरेंस दोनों का आप 20% डेप्रिसिएशन निकाला तो आप एडिशनल डेप्रिसिएशन निकाल पाएंगे। यहां 20% डेप्रिसिएशन दिया तो ओपनिंग वाला बुक वैल्यू निकाल लिए, लेकिन ओपनिंग वाला बुक वैल्यू निकालने से नहीं होगा, हमको एक और स्टेप करना पड़ेगा, 3 महीना आगे आके अप्रैल का वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उतना ऐसा डिफिकल्ट वाला कोई बात नहीं है, हालांकि इतना टफ आएगा नहीं, बट फिर भी लेट्स बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, ठीक है। फर्दर यहां पे देखिए रिवैल्यूएशन लॉस आ रहा है 5,000 का, यहां देखिए रिवैल्यूएशन लॉस आ रहा है 5,000 का, क्योंकि बुक वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। तब एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, सेविंग्स इन डेप्रिसिएशन आएगा। पहले क्या था,
जब रिवैल्यूएशन करते थे वहां से पोस्ट 12 महीना होता था, लेकिन यहां रिवैल्यूएशन अप्रैल में किया है तो यहां से पोस्ट कितना महीना हो रहा है? 9 महीना। तो 5000 का 20% जो करेंगे वो 9 महीने का होगा। एडिशनल डेप्रिसिएशन या सेविंग्स इन डेप्रिसिएशन, जो भी समझना है समझ लो। ठीक है, ये सबको मालूम है प्री, ये पोस्ट। ठीक है, रिवैल्यूएशन कौन से दिन का चाहिए? जिस दिन शेयर खरीदा है हम लोग, अप्रैल वाला। तो ईयर एंड वाला दिया हुआ, उससे एक साल पहले आएंगे, फिर 3 महीने आगे आ जाएंगे, और फिर 9 महीने का एडिशनल डेप्रिसिएशन या सेविंग्स जो भी। तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट प्लस होता था, रिवैल्यूएशन लॉस माइनस होगा प्री में, और एडिशनल डेप्रिसिएशन लेस होता था, सेविंग इन डेप्रिसिएशन ऐड होगा। और तो कुछ नहीं है, एक पॉइंट तो जाओ मैंने काट दिया, वो अभी नहीं करना है हम लोग को। तो ये आएगा 87,500। तो यहाँ होल्डिंग माइनॉरिटी करने का जगह नहीं है, फिर भी कर लेते हैं। 80-20 ना, बताइए। $70,000 and $17,500। ठीक है। Is it okay? इसका खाली कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट होगा, बाकी आप नॉर्मल लॉस कर तो डबल इफेक्ट आ गया, कट गया ना। नोट फोर, गुडविल कैपिटल रिजर्व, होल्डिंग का पीएल, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है? 3 लाख लेस। शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडरी का 80%, 2 लाख।
है ना। ट्वेंटी परसेंट करने से 50,000 आएगा। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट का 80% कितना? 70। पोस्ट वाला होल्डिंग का पीएल में ऐड होगा, तो होल्डिंग का ओन पीएल कितना है? 1 लाख है। और तो कुछ नहीं है ना। गुडविल आएगा 30,000 का, होल्डिंग का जर्नलिज्म है, खाली अपना जर्नलिज्म आएगा उसका, सब्सिडरी का तो पोस्ट है नहीं जर्नलिज्म का। माइनॉरिटी कितना आ रहा है? 7 1 7 ठीक है। होल्डिंग का पीएल में हम लोग एक गलती कर दिया, अनरियलाइज प्रॉफिट लेस नहीं किया। पांच हजार का स्टॉक का 20%, क्योंकि जब अपने होल्डिंग का पीएल का वर्किंग नोट बना रहे तो उसमें सारा ही दिखा देंगे ना फिर। ये भी सीबीएस में आएगा, इसका सेकंड इफेक्ट। जहां जहां सीबीएस में सेकंड इफेक्ट आएगा वहां नोट करके रखना, नहीं तो भूल जाएगा। डेटर क्रेडिटर वाला तो दोनों सीबीएस में ही आता है, लेकिन रिवैल्यूएशन वाला एक सब्सिडरी का प्रॉफिट में आया, दूसरा इफेक्ट उसका सीबीएस में आएगा फिक्स्ड एसेट के साथ। और ये अनरियलाइज प्रॉफिट वाला एक यहां आ गया होल्डिंग का पीएल में, दूसरा इफेक्ट इसका स्टॉक में। ठीक है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाइए क्विकली।
शेयर कैपिटल किसका आएगा? खाली होल्डिंग का कितना है? 8 लाख। सब्सिडियरी का शेयर कैपिटल का क्या हुआ? सेट ऑफ हो गया, बाकी माइनॉरिटी में आ गया। रिजर्व एंड सरप्लस में होल्डिंग का पीएल आएगा 145,600, इसमें सब एडजस्ट हो गया। और जनरल रिजर्व इसका अपना आएगा, इसमें कुछ भी एडजस्टमेंट है नहीं क्योंकि पोस्ट जनरल रिजर्व था ही नहीं इसमें। इस पीएल में इसका अपना पीएल, पोस्ट पीएल, यूपी सब लेस हो गया। माइनॉरिटी करंट लायबिलिटी मेरा कितना है? ₹2,50,000। ₹2,50,000 माइनस 10,000 कॉन्ट्रा, ₹7,00,240 माइनस 5, यहां उल्टा होगा, रिवैल्यूएशन लॉस माइनस सेविंग्स प्लस, और गुडविल हमारा 30,000 आया हुआ है। मेरा अपना 4 लाख, तुम्हारा 2,10, 10 कॉन्ट्रा वाला और एक वो 1,000 अनरियलाइज प्रॉफिट वाला। देखो टोटल मैच हो रहा है, कितना आ रहा है? 1,5 आएगा ना, लायबिलिटी भी वही आ रहा है। लायबिलिटी मैच कर गया, ठीक है। तो जितना भी क्वेश्चन मैंने कराया ना, इन सबको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट क्लास हम लोग थोड़ा सा और करके इसको कंप्लीट कर देंगे। हाँ प्रैक्टिस तो करेंगे और थोड़ा, अभी तो जैसे मैंने ये वाला एडजस्टमेंट काट दिया यहाँ पे, बोनस वाला, फिर डिविडेंड का एक दो और करवाऊंगा। हाँ आप अपना इंस्टीट्यूट का बुक देखिए, उसमें पूरा डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है? ओके Thank you.